अस्सलाम वालेकुम अभी भी 5 लाख डाउन पेमेंट एंड 1% मंथली ईएमआई में खुद का घर, वो भी एमएम वैली में। एमएम वैली मतलब मुमरा का नया लोखंड वाला। इधर आपको ग्राउंड प्लस 7 का विंग मिलेगा, जिसके नजदीक आपको स्टेडियम मिलेगा, आपको कॉलेज मिलेगा, हॉस्पिटल मिलेगा और बहुत सारी एमिनिटीज वॉकिंग डिस्टेंस से मिलेगी। यहाँ का बेस्ट पार्ट ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट और 1% मंथली ईएमआई में टीएमसी में रेरा अप्रूव में खुद का घर मिलेगा। हमारा पिकअप एंड ड्रॉप फ्री है, प्लीज इसका बेनिफिट उठाइए। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। गांजा पीने से मना किया तो भाजपा नेता पर तलवार से हमला कर दिया, पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार भी कर लिया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर भारतीय मोर्चा के मीरा भयंदर उपाध्यक्ष और उनके साथी पर तलवार से हमला करने वाले हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भाजपा नेता आशुतोष मिश्रा अपने सहयोगी विपिन के साथ में पूनम सागर परिसर में थे और इसी दौरान मीरा भयंदर परिसर से तड़ीपार सोनू मिंटल और उसके साथियों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। सोनू मिंटल तलवार लहराते हुए पीड़ितों को धमकाते हुए हमला कर वहां से भाग गया, लेकिन पुलिस की सतर्कता से उसे गिरफ्तार ज़रूर किया गया है। मगर पुलिस पर भी सवाल उठता है कि तड़ीपार सोनू मिंटल शहर में सरेआम घूम कैसे रहा था। घायल आशुतोष मिश्रा के अनुसार सोनू मिंटल गांजा पी रहा था और मिश्रा ने जब उसे गांजा पीने से मना किया तो सोनू इस पर भड़क गया और इसी बात से नाराज होकर इस घटना को अंजाम दिया। मिश्रा के अनुसार हमले के दौरान ही उनके सोने की चैन भी हमलावर खींचकर फरार हो गए। नयानगर पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस अधिकारी ने सोनू मिंटल को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार आरोपियों पर 307 के तहत मामला दर्ज किया गया है।